जय जवान जय किसान, नमस्कार, दुआ सलाम। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे। इस समय साहब जो है हम जो है छिबरा मुंह के सम्मू कोल्ड स्टोरेज के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर भी आज आलू की निकासी हो रही है साहब। आलू की निकासी। आपको कई बार मैं दिखा चुका हूँ, जगह जगह से दिखा चुका हूँ, कन्नौज, गुरदायगंज, छिबरा मऊ, फरुखाबाद, लगभग सभी जगह से आपको मैं सिर्फ आलू की निकासी दिखाता हूँ साहब। यहाँ पर भी वही प्रथा के साथ पहली बार 2024 में फूल माला के साथ आलू की निकासी का शुभारंभ हुआ है साहब। और ये कोल्ड स्टोरेज आपका छिबरा मऊ से बेबर की ओर जब जाएंगे तो निघो रोड पे पड़ता है शंभू कोल्ड स्टोरेज, और अभी इसमें फिलहाल में भंडारण भी चल रहा है। आप लोग ये आलू जो देख रहे हैं ना साहब, ये आलू अभी अंदर जाएगा और वो आलू आपको, आओ उधर भी चलते हैं, भैया उधर आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो आलू आ रहा है ना, ये साहब निकल के आ रहा है साहब। ये देखो भैया, लेके भी आ रहे हैं, इधर घूम जाइए आप, इधर आइए भैया, इधर जो है ये लेके आए भाई साहब, ये आलू निकासी हो रहा है। और ये आलू किसान भाई का था, इसका बिक्री हुआ है, व्यापारी भाई ने इसको खरीदा है, तो थोड़ा सा आपको व्यापारी भाई से बातचीत करवाते हैं और किसान भाई से बातचीत करवाते हैं कि ये आलू कौन सा था और क्या रेट में बिक्री हुआ है। तो चलिए आपको सीधा, आप लोग देख पा रहे निकासी हो रही है कोई 2 अप्रैल 2024 को। तो अभी हमारे साथ आलू व्यापारी और आलू किसान है। भैया आपका नाम क्या? आप आलू किसान है ना? राम ब्रजेश। कहाँ से आते हो? निगौली से। कौन सा आलू रखा था? पोखराज। पोखराज आलू रखा था, कितने कट्टे थे? 94। 94, बहुत जल्दी निकासी कर दी है साहब। जल्दी बिक रहा है, कर दी जल्दी। अच्छा, जल्दी बिक रहा है तो कर दी भैया। मतलब इतनी कितने कट्टे और रखे आपके भी? अभी और 1.5 कट्टे और होगा। 1.5 कट्टे और होंगे, वो आप थोड़ी देर बाद बेच देना है। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ऐसे किसानों की मुझे भी आवश्यकता है जो धीरे धीरे करके आलू का भाव लेते रहे और हर भाव का आनंद ले। तो ये हमारे साथ आलू व्यापारी है, थोड़ा ये बता पाएंगे कि आखिरकार मेरे भविष्य में, मतलब मैं जब से पैदा हुआ हुआ ना भाई साहब, तब से पहली बार ऐसा क्यों हो रहा है कि आप इस समय, मतलब अप्रैल के महीने में, एक तरफ जहां भंडारण चल रहा हो, एक तरफ भाई निकासी चल रही हो, वो भंडारण का आलू रखा हुआ है, ये निकासी का आलू है साहब। आपने क्या कभी ऐसा सोचा था, देखा था? कभी नहीं। कब से आप व्यापार कर रहे हो? लगभग 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। 4 साल मिले ना, तेजी का मजा लिया था आपने 2020 का? हाँ, लिया था। कितना मजा आया था उस साल? उससे बेहतर मजा इस साल आ रहा है। ओ भाई, मतलब भाई अब तो जवान पे रुक नहीं रही बात, मतलब कतई सर नहीं। इस वर्ष, इस मार्च के महीने में कभी इतना 1000 रुपए पैकेट आलू नहीं बिका है। नहीं बिका है कभी। आपने भी बात कर रहे, ये आलू जो खरीदा है इतनी जल्दबाजी क्यों करी आपने? नहीं, वो तो ऑर्डर है हमारा, तो खरीदने पड़ेगा। खेतों में चले जाओ, डंप लगाए बहुत, आप लोग तो कह रहे थे। अरे नहीं, डंप मतलब आपको ये ना लगे आपसे लड़ रहे हैं, और ना आपको लगना चाहिए लड़ रहे हैं। व्यापारी लोग ही कहते थे अभी बहुत डंप है, देखियो अप्रैल तक चले। नहीं नहीं, डंप नहीं है, डंप 6-7% आलू है केवल। हो गया ना क्लियर भाई साहब? और जो है वो बड़ी मुश्किल से 15 अप्रैल तक चलेगा, राइट सर? 15 अप्रैल का खत्म डंप, बड़ी मुश्किल से। वो भी कोल्ड निकासी 15 अप्रैल के बाद थोड़ा रफ्तार पे आ जाएगी, 50% रफ्तार पे आएगी, 100% तो नहीं कह सकते अभी, 100% मई में चली जाएगी। अच्छा, आपने जो आलू खरीदा इसका क्या भाव था? इसका 761 रुपए। 761 रुपए ये किसान का भाव था? जी जी जी। भाड़ा आप देंगे? भाड़ा हम देंगे। कितने में पड़ा जाके आप? ये लगभग 870 रुपए पड़ेगा जाके। 870 रुपए पड़ेगा जाके, ये समझो आप। बाहर आलू जो है क्या थी, पुखराज आलू, बढ़िया डंप वाला आलू 800 से लेके सब 800 बाई चांस 850 बिक रहा है, और ये कोल्ड वाला आलू बिक्री हुआ है 870 रुपए सब दाम में है। बाकी किसान को 761 रुपए इस आलू के मिलेंगे। और ये कोल्ड स्टोरेज कौन सा था थोड़ा बताओ? ये गुरु कौन सा है? शंभू कोल्ड स्टोर। शंभू कोल्ड स्टोरेज निगो रोड, निगो रोड पे छबड़ा मऊ मंडी के पास। जानकारी आप लोगों को सर पे यही देनी थी कि अभी आप लोगों को लगभग हम 4-5 कोल्ड स्टोरों से आलू की सिर्फ निकासी दिखा चुके हैं साहब। आलू के जो सपने देखे जा रहे हैं वो पक्का पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं, और आलू की निकासी इसी तरीके से भरपूर जल्दी चालू हो जाएगी। और अच्छे आलू क्या भाव बिकता है वो आपको दिखाते हैं। आपको एक पैकेट हम आपको यहाँ पर खोल के दिखाते हैं ये कौन सा आलू था और क्या भाव में बिका है। बस इसी बात पर वीडियो को मारो शेयर और चैनल को मार दो सब्सक्राइब। आगे मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में।
अभी आलू की निकासी हो रही है और ये आलू की बिक्री हुई थी। इस आलू का बिक्री जो है 761 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से हुआ था साहब। आलू की क्वालिटी अगर मानेंगे तो आलू मेरे हिसाब से भाई साहब ये जो है 2 नंबर में आएगा। मतलब आलू की क्वालिटी थोड़ा सा डाउन है, जंगीला आलू है, मोटी मिट्टी का है, मोटी मिट्टी का है, जंगीला आलू है और इसकी बिक्री हुई थी साहब। ये आलू जो है किसान का दाम 761 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से साहब है। आप हैं व्यापारी और 761 रुपए भाड़ा आपको, मतलब भाड़ा व्यापारी भाई देंगे, भाड़ा हम देंगे, भाड़ा ये देंगे। और ये आप लोग देख पा रहे हो निकासी चल रही है, अभी आप लोगों को मैंने दिखाया था यही लाट था और इसका भाव जो था 761 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से किसान का दाम था और आपको बचत जो व्यापारी देंगे। और शंभु कोल्ड स्टोरेज से जो है फर्स्ट टाइम में आलू की निकासी चालू हुई है, ये निकासी आप लोग देख पा रहे हो। शंभु कोल्ड स्टोरेज से आप लोगों को मैं ये वीडियो दिखा रहा था 2 अप्रैल 2024 का, शंभु कोल्ड स्टोरेज से ये वीडियो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। छिबरामऊ जो है छिबरामऊ के कोल्ड स्टोरेज से ये 761 रुपये भाई साहब सफ़ेद आलू है, भाड़ा अलग से जो है व्यापारी भाई देंगे। किसान कौन है इसकी बात करा देते हैं। किसान भाई थोड़ा इधर आए, आप इधर आए, क्या नाम साहब आपका? राम ब्रजेश। कहाँ से आते हो? सिंगरौली से। ये कौन सा आलू था? ये बुरा है। क्या भाव बिका? 761 रुपए बिक्री हुआ है साहब। कितने कट्टे थे? 94 पैकेट, 94 पैकेट। कौन सा कोल्ड है ये? शंभू। शंभू कब रखा था आपने आलू? मतलब 2 महीने हो गए होंगे रखे, 1 महीना एक 2 महीने हो गए रखे रखे। ओके, तो ये आलू जो है 761 रुपए बिक्री हुआ था साहब। ये आलू क्वालिटी बहुत डाउन है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रेट मिला है साहब। क्वालिटी डाउन है लेकिन अच्छा रेट मिला है भाई साहब। देखिएगा आप लोग जो है रेट जो है बहुत अच्छा मिला हुआ है। ये देखो आप लोग जो है 761 रुपए किसान का दाम है साहब। ये ठीक साहब, शंभु कोल्ड स्टोरेज से हो रही है साहब इस समय। आज समय और तारीख आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं होता है ना, तो समय और तारीख दिखाऊंगा। ये आप लोग देख लीजिएगा, 4 बजे और 2 अप्रैल है आज, ठीक है। 4 बजे हम इस समय कोल्ड में ही मौजूद हैं साहब और निकासी हो रही है। ये देखो फूल माला के साथ में निकासी आरंभ हो चुकी है और सूचना मिली थी मुझे। और यहाँ पर सफ़ेद आलू था किसान का था जिसका बिक्री हो चुका है साहब। और फुल वीडियो आप लोगों को बस मैं थोड़ी देर में देने वाला हूँ। छिबरामऊ के कोल्ड स्टोरेज शंभु कोल्ड स्टोरेज से भी आलू की निकासी प्रारंभ हो चुकी है साहब। ये देखो ये, और ये हैं व्यापारी भाई, भी इनसे भी बातचीत करेंगे और किसान भी यहीं साथ में, उनसे भी बातचीत करेंगे।